नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में निवेश के नाम पर 2700 करोड़ की ठगी के मामले में पीड़ित जयपुर में पानी की टंकी पर सेट गए। शुक्रवार देर रात 22 लोग सोडाला थाने इलाके के सुदनसरपुरा में पानी की टंकी पर सेट गए। इनमें 18 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। इन लोगों की मांग है कि ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका पैसा वापस लौटाया जाए। टंकी पर चढ़े दाताराम गढ़ निवासी पीड़ित बद्री नारायण ने बताया कि आरोपियों ने गुजरात की धोलेरा सिटी में निवेश के नाम पर उनके साथ ठगी की। इन लोगों ने पीएम मोदी की फोटो लगाकर दिखाया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट धोलेरा सिटी में चल रहा है, इसमें निवेश करने के लिए इन लोगों ने नेक्सा एवरग्रीन कंपनी बनाई और देश भर में करीब 70,000 लोगों को कंपनी में जोड़ा और ठगी कर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया, मेरे 2 लाख रुपए इन आरोपियों ने निवेश के नाम पर लिए। यह कंपनी 3 साल पहले बाजार में आई, लोगों ने प्रधानमंत्री की फोटो देखकर कंपनी में पैसा निवेश करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कंपनी ने ब्याज के रूप में रिटर्न दिया था, लेकिन 10 जनवरी 2023 के बाद में कोई पैसा नहीं मिला। कंपनी के लोग निवेश के रुपये लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने बताया कि वह 26 दिसंबर 2023 को ज्योति नगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़े थे। उस दौरान पुलिस की टीम उसे पुलिस मुख्यालय लेकर गई, जहां पर दिनेश एमएन ने कहा कि आपकी शिकायत पर 15 दिनों में एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद हमें 26 दिसंबर को फिर से पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। इस दौरान मामले के जांच अधिकारियों के सामने दिनेश एमएन ने कहा था कि 15 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार कर लो, लेकिन दिनेश एमएन के कहने के बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ।